गाइज, ये क्रीम दाग धब्बों को खत्म करने वाली क्रीम है, स्किन को टाइट करने वाली क्रीम है, ब्राइट करने वाली क्रीम है, ग्लो भर भर के आएगा। फेयरनेस की अगर मैं बात करूँ तो गजब का फेयरनेस आएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी क्रीम जिसको यूज करने से मेरी स्किन पर आए दाग धब्बे जड़ से खत्म हो गए, और ग्लो तो इसने इतना अच्छा दिया कि मैं खुद देख हैरान रह गई। गाइज, पहले सारी चीजें मैं खुद ट्राई करती हूँ और जब मुझे उसके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तब मैं आप लोगों के साथ वो रेमेडी शेयर करती हूँ। और अब तो वैसे भी गर्मी है और गर्मियों में हमें कुछ ऐसा चाहिए होता है जो हमारी स्किन की केयर करे, स्किन को निखारे। सो इन शॉर्ट, ये वैसे ही क्रीम है जो दाग धब्बे, झाइयां और झुर्रियों को तो खत्म करेगी ही, साथ ही गर्मियों में आपकी स्किन जो काली पड़ चुकी है उसको भी निखारेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो कि हमें चाहिए वो है रेड लेंटिल्स, यानी कि लाल मसूर दाल, जो कि घर की किचन में ही मौजूद होती है, तो आपको बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइज, अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, स्किन डल है, काली है, तो उसको खत्म करने के लिए लाल मसूर दाल सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट है। तो आपने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर लाल मसूर दाल लेनी है, उसको अच्छे से वॉश करना है ताकि जो भी धूल मिट्टी लगी है वो निकल जाए। अब इसमें दोबारा से हम पानी डालेंगे और पूरी रात भीगने के लिए रख देंगे। इसी के साथ आपने 3 से 4 बादाम और 8 से 10 रेसे केसर के लेकर इसमें पानी डालें और इसे भी रात भर भीगने के लिए रख दें। सो गाइस, पूरी रात हो चुकी है और ये दोनों तीनों चीजें भीगकर फूल चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, जो मसूर दाल है इसके पानी को आपने अलग कर लेना है और दाल को मिक्सर जार में डाल देना है। अब जो बादाम केसर है इसी पानी के साथ आपने इसे इसमें डाल देना है, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। सो गाइज, ये लिक्विड फॉर्म में आपका बनकर तैयार होगा जिसे आपने स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन आपने जरूर करना है ताकि जो ग्रेनुअल है वो आपकी क्रीम में ना रहे। तो स्ट्रेन करने के बाद इसका जो ये मटेरियल है इसको आपने फेंकना नहीं है, बल्कि इससे भी आप अपनी स्किन को स्क्रब कर सकते हो। गाइज, बहुत ही बेहतरीन स्क्रब है, सारे डेड सेल्स इससे रिमूव हो जाते हैं और स्किन ब्राइट नजर आती है। अब इस क्रीम को क्रीमी टेक्सचर में लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी एलोवेरा जेल, आप चाहे तो कुकुम्बर जेल या पपाया जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आपको सूट करता हो। सेकंड इंग्रेडिएंट आपने इसमें ऐड करना है आमंड ऑयल, तकरीबन 4 से 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास आमंड ऑयल नहीं है तो आप एक विटामिन ई कैप्सूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, आप कोई भी एसेंशियल ऑयल ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। एसेंशियल ऑयल की मैं इसमें तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करके इसे दोबारा से मिक्स कर लूंगी। सो गाइज, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसका जो टेक्सचर है वो भी क्रीमी टाइप में आ चुका है। अब आप इसे खाली कंटेनर में डालकर स्टोर करें और रोजाना रात में सोने से पहले फेस को वॉश करके इसे अपने चेहरे पर अप्लाई करें। गाइज, बहुत ही अच्छी क्रीम है, सारे दाग धब्बे चले जाते हैं, स्किन टाइट होती है, ब्राइट होती है, स्किन को निखारती है और एक प्यारा सा ग्लो आपकी स्किन पर लेकर के आती है। तो आप इसे अच्छे तरह से अपने पूरे फेस पर अप्लाई करें, ओवरनाइट रखें और नेक्स्ट डे उठकर वॉश कर लें। गाइज, ये क्रीम दाग धब्बों को खत्म करने वाली क्रीम है, स्किन को टाइट करने वाली क्रीम है, ब्राइट करने वाली क्रीम है, ग्लो भर भर के आएगा, फेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो गजब का फेयरनेस आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल फ्री है। सो जरूर ट्राई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। सो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।